नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का वीडियो जो है वो कुंभ राशि के लिए है, 2014 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ग्रह मंडल के गुरु गुरु ग्रह के बारे में, जो 19 जून 2014 तक मिथुन राशि में चलते हैं और उसके बाद चलेंगे कर्क राशि में। 19 जून 2014 तक जो राशि से पंचम स्थान में चलने वाले गुरु हैं वो मित्रों से लाभ करने वाले हैं, भाग्य में वृद्धि होगी। और ये गुरु जो हैं वो जन्म के चंद्र के साथ नौ पंचम योग कर रहे हैं, जिसके कारण मानसिक संतुलन प्रसन्नता आपकी बनी रहेगी। 19 जून 2014 के बाद जब गुरु चलेंगे राशि से छठवें स्थान में, जो रोगी एवं शत्रु पर विजय देने वाले हैं, राजयोग कारक हैं। बिजनेस में तरक्की होगी, एब्रॉड रिलेशन से आपको लाभ रहेगा और कुटुंब सुख धन सुख में वृद्धि होगी। बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 2 नवंबर 2014 तक उच्च राशि में चल रहे हैं, तुला राशि में, जो आपकी राशि से नौवें स्थान में है। नौवें स्थान में जो शनि है वो ये भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। और 2 नवंबर 2014 के बाद जब चलेंगे शनि महाराज वृश्चिक राशि में, ये चलेंगे आपकी राशि से दसवें स्थान में। तो दसवें स्थान में भी शनि राजयोग कारक माने गए हैं, जिसके कारण आपका बिजनेस में कैरियर में तरक्की होगी, प्रोग्रेस होगा। और हालांकि ऐसा हो सकता है कि आप जब ये शनि महाराज चेंज करेंगे राशि नवंबर में, 2 नवंबर 2014 को, तो उसके बाद जो पीछे के मंथ्स है उसमें आप सेविंग थोड़ा कम कर पाएंगे। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस टेंशन आ सकता है और थोड़ा सा आपको केयर करना है इन रिलेशनशिप विद पार्टनर आफ्टर नवंबर 2014। बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में, जो 12 जुलाई 2014 तक तुला राशि में चल रहे हैं और उसके बाद चलेंगे कन्या राशि में। 12 जुलाई 2014 तक तुला राशि में चलने वाला राहु जो है, राहु भाग्य स्थान में चलेंगे और उसके बाद जो राहु है वो चलेंगे अष्टम स्थान में, क्योंकि राहु का जो भ्रमण होता है वो उल्टा होता है। तो भाग्य स्थान में से राहु आएंगे अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान में राहु का जो भ्रमण है वो शुभ नहीं माना गया है, खास करके आपको केयर करना है फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर में और व्हीकल ड्राइव में। और अनजाने पानी से सावधान रहे और अनजाने कोई भी चीज वस्तु व्यक्ति से सावधान रहे। खास करके आपको मंथ कौन से केयर करने हैं इस 2014 के अंदर, वो इस प्रकार है, 14th January to 12th February। 14 जनवरी से 12 फरवरी तक जो सूर्य चलेंगे मकर राशि में, ये आपकी राशि से 12वें स्थान के सूर्य होंगे। 12वें सूर्य में आपको गवर्नमेंट रिलेटेड कोई कार्य में नुकसान आ सकता है, कोर्ट कचहरी कार्य में लॉसेस आ सकते हैं। तो और खुद का भी हेल्थ करना है, खुद का हेल्थ का केयर करना है, रिलेशनशिप विद फादर, रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट, ये सब में आपको केयर करना है। मंथ आपको केयर करना है 14th May to 15th June, जिसके अंदर जो सूर्य है वो चलेंगे वृषभ राशि में। वृषभ के सूर्य जो है वो भी राशि से चतुर्थ स्थान के सूर्य है। चतुर्थ सूर्य में भी आपको प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य नहीं करना है। और यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको रिलेशनशिप में केयर करना है अपर लेवल के साथ। और मंथ आपको केयर करना है 16 September to 17 October, जिसके अंदर सूर्य जो है वो कन्या राशि में चलेंगे। राशि से अष्टम स्थान में जो सूर्य का भ्रमण है वो ठीक नहीं है, इसके अंदर भी आपको खास करके फैमिली फाइनेंशियल मैटर और गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में खास केयर करना है और वाणी में संयम रखे, वाणी में उग्रता बढ़ सकती है। ऐसे ही देखते रहिए नए नए प्रेडिक्शंस हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब करिए चैनल, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, गुड लक। कुंभ राशि 2014।